दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर नोटिस बोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि एक नोटिस जो है मीशो ने जितने भी सेलर्स होते हैं उन सबको एक तरह का नोटिफिकेशन दिया है। और ये नोटिस जो इशू किया गया है आप देखेंगे कि 20 सितंबर 2024 को, और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो हेडिंग है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट सेक्शन 194C, यानी कि ये जो मीशो ने क्या किया, जितने भी जो सेलर्स होते हैं उन सबको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाह रहा है कि मीशो ने अब जो क्या किया कि जो LDC होता है यानी कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मीशो ने जितने भी सप्लायर्स होते हैं उन सबको ये एक तरह का मैसेज जारी किया है कि अब यहाँ पर आप देखेंगे वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मीशो, यानी कि फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है कि मीशो को ऑपरेट करती है, हैज़ ऑप्टेंड ए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट LDC फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी मीशो ने क्या किया है कि LDC जो होता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लिया है इनकम जो टैक्स डिपार्टमेंट है उससे, और सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे दिया गया है कि जो सर्टिफिकेट लिया गया है उसका नंबर उनने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि मीशो ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो LDC लिया है उसका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाई सी अटैचमेंट, यानी एक ये URL भी दिया है, आप इस अटैचमेंट को देख सकते हैं। तो अब ये होता क्या है, और यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा वैलिड अंटिल मार्च 31 मार्च 2025, यानी जो ये सर्टिफिकेट लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये 31 मार्च 2025 तक वैलिड है, जो कि ये क्या करेगा जो TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 194C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो एक्ट होता है 1961। यानी कि अब ये जो सर्टिफिकेट मीशो ने लिया है जिसकी वैलिडिटी है 31 मार्च 2025 तक, तो अब इन्होंने साफ साफ लास्ट की जो लाइन ये कहती है TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 194C, यानी कि जो TDS जो होता है कि ऑनलाइन जो सर्विसेज होती हैं उन पे जो TDS डिडक्ट किया जाता है, यानी कि वो ऐसा जो सेक्शन है कौन सा सेक्शन 194C, यानी कि ऐसी जो सर्विसेज हैं जो कि सेक्शन 194C के तहत जितनी भी सर्विसेज आती हैं चाहे वो सेल की हो चाहे परचेज की हो चाहे आप कैंपेन एड इसमें रन करवाते हैं या कुछ भी अगर इस तरह की एक्स्ट्रा जो सर्विसेज होती हैं अगर वो सेक्शन 194C के तहत आती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, तो अब उसके लिए ये जो सर्टिफिकेट होता है इसकी उसमें एप्लीकेबल रहेगी। तो क्या रहेगी और कितनी रहेगी वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो होता है LDC जो होता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो क्या करता है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। तो अब ये होता है कि therefore when you are availing the service Meesho are subject to TDS deduction under section 149C, जो कि मैंने आपको बताया था कि अब क्या करेगा Meesho, यानी जो भी सेक्शन है 194C के तहत जो होता है तो इसमें जो भी इसकी TDS के डिडक्शन की जो रेट होती है वो अप्लाई हो जाएगी इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यानी कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है इसके अकॉर्डिंग उन सर्विसेज पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अब वो कितनी सर्विसेज में एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पे ये URL दिया गया है, जैसे मैं इस URL पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से जो है ये सर्टिफिकेट होता है जो कि मीशो ने जितने भी सेलर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे दिया गया इसका सैंपल, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी टेबल दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट जो होता है नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, पैन नंबर आप देखते हैं और कंपनी मीशो का है और सेक्शन कौन सा है 194C, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 194C के तहत लिया गया है। और यहाँ पे क्या है तो नंबर ऑफ पेमेंट्स, यानी आप देखेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि जो होती है कि किससे जो इसमें नेचर मतलब नेचर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट लिया गया है मीशो ने। अब पेमेंट अगर आप देखते हैं अब दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि कितने अमाउंट तक ये जो सर्टिफिकेट लिया गया है मीशो ने, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो अगर कैलकुलेशन करके आप देखते हैं तो अप्रॉक्स ये जो अमाउंट दिया गया है आप देखेंगे कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट से जैसे ही इस अमाउंट तक जो मीशो का जो ट्रांजैक्शन होता है, यानी मीशो जो होता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी जो एक जितना भी इसका एनुअल जो टर्नओवर होता है यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है, अगर ये वाला अमाउंट दिया गया है इस अमाउंट के अंदर तक रहेगी या जब तक ये अमाउंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहाँ पर जो इसमें TDS की जो रेट रहेगी वो 0.25%,
यानी कि अगर कोई भी जो ऐसी सर्विसेज जो होती हैं जो कि 194 सी के तहत, यहाँ पे साफ साफ है कि ये जो सेक्शन दिया गया है 194 सी, यानी इस 194 सी के तहत जो भी सर्विसेज रहेगी, अगर गवर्नमेंट उस पर 1% TDS एप्लीकेबल है या 2% है या 5% है, तो उन सब सर्विसेज पे अब TDS जो लगेगा मीशो की जो नई रेट रहेगी 0.25%। तो ये डिडक्शन इसमें एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये जो डिडक्शन है मीशो ने ये सर्टिफिकेट स्पेशली उसके लिए लिया है कि मीशो जब भी अपना जो टर्नओवर होता है और TDS जो डिडक्ट होता है इसका, जब आप अपना ITR फाइल करते हैं तो पूरे 1 साल के बाद में आपको इसका रिफंड मिल जाता है, और अगर आपकी इनकम उस दायरे में रहती है तो यहाँ पर यही होता है। तो मीशो ने क्या किया, ये जो सर्टिफिकेट लिया गया है आप देखेंगे 19 जून 2024 को यहाँ पे लिया था, जब से ये वैलिड है 19 जून 2024 से, और कब तक वैलिड है 31 मार्च 2025 तक। तो इस बीच में जो भी मीशो की जो सर्विसेज रहेगी जो कि सेक्शन 194C के अंदर जो सर्विसेज आती है, चाहे उस पर TDS 5% ही क्यों ना हो, लेकिन मीशो की ओर से इस सर्टिफिकेट पे जब वो अपनी TDS की जो फाइलिंग करेंगे उसमें वो सर्टिफिकेट नंबर ऐड करेंगे कि भाई आपने जो सर्विसेज दी है गवर्नमेंट, अगर इसमें 5% TDS एप्लीकेबल है, लेकिन मीशो ने क्या किया, ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो जब वो अपनी TDS की फाइलिंग करेंगे सर्टिफिकेट नंबर उसमें ऐड करेंगे तो सीधा सीधा जो 5% का जो डिडक्शन हो रहा है या 2% का जो हो रहा है या 1% का जो भी हो रहा है, तो इन सर्विसेज यानी इन सेक्शन के अंदर जो सर्विसेज आती है उसमें TDS जो डिडक्शन होगा 0.25। यानी कि आप देखेंगे कि अगर 1% का जो TDS है, अगर किसी पे 1 रुपये का TDS लगता है गवर्नमेंट के एज पर गवर्नमेंट रूल, तो अब यहाँ पर उसमें लगेगा 25 पैसे का, अगर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बाकी का जो 75% जो होता है वो डिस्काउंट जो होता है दिया जाएगा इस सर्टिफिकेट के बेस पे मीशो को। तो ये कब से वैलिड है आप देखेंगे 19 जून से लेके 31 मार्च तक ये वैलिड है। तो दोस्तों ये था मीशो के अंदर जो ये नोटिस अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस नोटिस की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताई है जो कि आपको नोटिस बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो होता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है सेक्शन 194C के तहत, तो ये बेसिकली उनके लिए है कि मीशो के जो भी आप इसमें सर्विसेज होती है जो 194C के तहत जो भी सर्विसेज होती है उन सर्विसेज पे चाहे गवर्नमेंट के कितने भी परसेंट का TDS क्यों ना हो, लेकिन अब मीशो पे वो एप्लीकेबल रहेगा 0.25%। कब तक, 31 मार्च 2025 तक। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इशू किया जाता है, और इस नोटिस का जो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, तो ये नोटिस का यही मतलब निकलता है। तो इसके तहत जो भी 194C के तहत जो सर्विसेज होती है उन पे अब आपको जो मीशो की ओर से जो TDS एप्लीकेबल होगा वो 0.25% रहेगा, और गवर्नमेंट को भी जो है मीशो अब ये जो TDS जो फाइलिंग करेगा तो वो 0.25% के हिसाब से ही करेगा। इससे क्या होगा कि मीशो का जो केस फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ टर्नओवर आपको दिखाऊँ मीशो ने, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये वाला अमाउंट अगर आप गिनते हैं तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि कितना अमाउंट निकल के आता है, तो ये चीज़ मतलब करोड़ों से भी ऊपर का ही अमाउंट निकल के आ जाता है। तो ये खरब के अंदर मतलब ये देखेंगे कि 25 या 2 खरब 53 करोड़ ऐसा कुछ जो भी अमाउंट निकल के आ जाता है, तो ये वाला अमाउंट जो होता है इतना अमाउंट यानी ये जो ट्रांजेक्शन होती है इतनी ट्रांजेक्शन तक जो है मीशो 0.25% का जो है TDS उसमें एप्लीकेबल रहेगा। तो ये चीज़ था दोस्तों, ये जो नोटिस होता है इसका पूरी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इस तरह से अब जो भी मीशो के अंदर कब तक रहेगा यहाँ पे, हालांकि अब आप बजट के अंदर देखेंगे कि जो भी अक्टूबर 1 से जो TDS जितना डिडक्ट होता है गवर्नमेंट ने वो ना के बराबर कर दिया, 0.1% का जो है ये डिडक्शन इसमें 1 अक्टूबर 2024 से जितने भी ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं इन पर जो TDS का जो डिडक्शन है वो 0.1% हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल जो मीशो ने ये सर्टिफिकेट लिया है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है LDC, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि किस ये सर्टिफिकेट क्या होता है और इसके क्या क्या इसके बेनिफिट्स जो होते हैं ये
मीसो के लिए इसका काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि मीसो का जो कैश फ्लो है इससे काफ़ी उसको रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों ये था मीसो के अंदर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है सेक्शन 194C के बारे में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।